Discuss the lesson number first of 10th class. My first topic is internet. Internet is a body of network. It consists of millions of computers together forming a network. In any computer can communicate with each other. They are both connected to internet for the first time 15 August 1995, VSNL and ISP launched the internet services in India. It used the TCP and IP. It is a network of network that consists of millions of private, public, academic, business and government network. The first political party of is BJP, create own website on the internet. These following equipment using the internet: first ISP, second web browser, third telephone, fourth modem. Means internet kya hota hai ki internet नेटवर्क का एक पार्ट होता है. कैसे? जो भी हम जितना भी वर्क करते हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन वर्क हमारा कहाँ होता है? वो सारा वर्क हमारा इंटरनेट पर होता है. फॉर एग्जांपल, हमें कोई भी मेल करनी है या कोई भी हमें परचेज करनी है, सेल करनी है, जितना भी हमारा ऑनलाइन वर्क होता है वो वर्क हमारा सारा कहाँ होता है? इंटरनेट पर होता है. थर्ड, अब जितने भी हमारे सिस्टम नेटवर्किंग होती है वो नेटवर्किंग कनेक्ट कहाँ होती है? वो इंटरनेट पर होती है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. फॉर एग्जांपल, हमें क्या करना है, कोई भी मेल करनी है या डाटा शेयर करना है, वो सारा डाटा शेयरिंग हमारा किसकी हेल्प से हो रहा है? फर्स्ट नेटवर्किंग, सेकेंड इंटरनेट. इंटरनेट एंड नेटवर्क डिपेंड ऑन ईच अदर. इंटरनेट एंड नेटवर्क डिपेंड ऑन ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, एक कंप्यूटर हमारे पास है और एक कंप्यूटर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में है. अब हमें दोनों के बीच में डेटा क्या करना है, शेयर करना है. उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट और नेटवर्किंग. सेकेंड एग्जाम्पल, बैंक. अब बैंक में क्या होता है कि जो हम बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसे निकलवा रहे हैं, सबमिट करवा रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, तो वो सारा वर्क किसके थ्रू हो रहा है? ऑनलाइन के थ्रू. सेकेंड नेटवर्किंग के थ्रू. थर्ड स्कूल, कॉलेज, जितना भी हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं वो कैसे हो रहा हमारा? इंटरनेट एंड नेटवर्किंग. नेक्स्ट बिजली बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी वर्क एक्सेट्रा. तो जितने भी हमारे ऑनलाइन वर्क्स होते हैं वो ऑनलाइन वर्क्स हमारे किसके बेस पे होते हैं? इंटरनेट के बेस पे होते हैं. एंड दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर. जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं नेटवर्किंग की हेल्प से, वो किस पे जुड़े होते हैं? इंटरनेट पर जुड़े होते हैं. एंड इट यूज द टीसीपी एंड आईपी. अब टीसीपी एंड आईपी की बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? टीसीपी इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. एंड आईपी इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल. अब व्हाट इज टीसीपी? जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इंटरनेट के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर, उन सभी को डिसाइड कौन करता है? टीसीपी एंड आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल. मींस कि डाटा हमें शेयर कैसे करना है, डाटा सेंड कैसे करना है, डाटा के बीच में जो भी हमारे शेयरिंग हो रही है, सेंडिंग हो रही है, रिक्वेस्टिंग हो रही है, रिस्पॉन्डिंग हो रही है, उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? दैट इज टीसीपी एंड आईपी. एंड इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क. जितने भी हमारे प्राइवेट, पब्लिक, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक, बिजनेस, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी, उन सभी का जो भी वर्क होता है वो वर्क हमारा सारा कहाँ कनेक्टेड होता है? इंटरनेट पर कनेक्टेड है. जैसे कि अभी हमने बात करी थी बैंकिंग की. अब बैंक में जितना भी हमारा वर्क कनेक्ट होता है वो कहां से होता है? अदर ब्रांच से होता है. सपोज करो कि एक ब्रांच हमारी मुंबई में है और एक ब्रांच हमारी जींद में है. जब तक मुंबई ब्रांच का सर्वर हमारा ऑन नहीं होगा तब तक जींद ब्रांच का सर्वर हमारा एक्टिवेट नहीं होगा. तो वो हमारा किसकी हेल्प से हो रहा है? नेटवर्किंग की हेल्प से. और नेटवर्किंग किसके साथ जुड़ी हुई है? हमारी
इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो फर्स्ट कह रहे द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इज बीजेपी क्रिएट ऑन द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। जो बीजेपी थी उसने हमारी क्या थी फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट की थी किस पर इंटरनेट पर। अब इंटरनेट के अंदर हम क्या करते हैं ये हमारे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं कौन कौन से फर्स्ट ISP सेकंड वेब ब्राउजर थर्ड टेलीफोन फोर्थ मॉडम। अब ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनका यूज हम इंटरनेट के अंदर नेटवर्किंग ISP वेब ब्राउजर टेलीफोन एंड मॉडम। अब ये क्या होते हैं ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या कहता है जितनी भी हमारे सर्विसिंग होती है उसको हेल्प कौन करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब वेब ब्राउजर की बात करें तो व्हाट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड टू इंटरनेट सर्विसेज फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स थर्ड टेलीफोन वायर। अब टेलीफोन के यूज हम कैसे करते हैं नेटवर्किंग के अंदर। जब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नेटवर्किंग की वायर नहीं होगी तब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरनेट कैसे चल सकता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा टेलीफोन का कनेक्शन की जरूरत होगी। फोर्थ मॉडम। अब मॉडम का क्या वर्क रहेगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। मॉडम हमारा टेलीफोन वायर एंड कंप्यूटर सिस्टम की वायर को दोनों को आपस में ऐड कर रहा है कनेक्ट कर रहा है वो कौन वर्क कर रहा है दैट इज मॉडम। तो ये हम फोर इक्विपमेंट किसके अंदर यूज कर रहे हैं इंटरनेट के अंदर यूज कर रहे हैं ISP वेब ब्राउजर टेलीफोन एंड मॉडम। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है इंटर सेकंड है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। अब इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे कुछ मेथड्स का यूज करेंगे। फर्स्ट सर्वर। इस सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड द डेटा टू अदर कंप्यूटर। इस सर्वर इज ए मेन पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम ऑन द नेटवर्क। इस सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्सेप्ट एंड रिस्पोंड टू रिक्वेस्ट ओवर ए नेटवर्क। अब बात कर रहे हैं हम सर्वर के बारे में। सर्वर क्या होते हैं सर्वर एक मेन पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम होता है किस पर नेटवर्क पर जो क्या करता है दूसरे सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करता है और उनसे क्या करते लेता है रिक्वेस्ट लेता है किसी भी काम को करने की रिक्वेस्ट लेता है। कौन लेता है सर्वर लेता है। अब जो सिस्टम सर्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं उन सभी सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं क्लाइंट्स कहते हैं। सर्वर के साथ जुड़े हुए अटैच हुए सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं क्लाइंट्स कहते हैं। जितना भी हमारा वर्क होता है वो सभी वर्क प्रोवाइड कौन करता है वो वर्क प्रोवाइड करता है सर्वर। तो हमारा सेकंड क्या है क्लाइंट। सेकंड पॉइंट इज क्लाइंट एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट द सर्विसेज फ्रॉम सर्वर ऑन द इंटरनेट। मीन्स क्लाइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज क्लाइंट। अब जो कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशन हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं उन सिस्टम्स को हम क्या कहेंगे क्लाइंट। सपोज करते हैं कि एक कंप्यूटर लैब के अंदर एक पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम के साथ हमने 5 या 6 एक्स्ट्रा वर्क स्टेशन या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या एनी एक्स्ट्रा कंप्यूटर उनको सभी को हमने क्या कर रखा है कनेक्ट रखा है। तो जो कंप्यूटर या वर्क स्टेशन डेस्कटॉप हमने सर्वर के साथ कनेक्ट रखे हैं उन सभी कनेक्टिंग सिस्टम्स को हम क्या कहेंगे क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या करता है सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डेटा रिसीव करना है डेटा सेंड करना है। सर्वर क्या करेगा जो डेटा उसने क्लाइंट से रिसीव किया है तो उसका क्या करेगा रिस्पोंड करेगा उसका जवाब देगा कि जो आपने डेटा सपोज करें कि क्लाइंट मशीन पे कोई भी एनी स्टूडेंट कोई भी यूजर वर्क कर रहा है और उसने वो कमांड दिया है सर्वर को किसी भी प्रिंट आउट की या किसी भी एक्स्ट्रा वर्क की तो सर्वर क्या करेगा उस पेज का प्रिंट आउट निकाल के बाहर देगा। तो दिस इज क्लाइंट। नेक्स्ट थर्ड वेब पेज। इफ वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट कॉमनली written in a HTML that is viewed in an internet browser. A web page may contain the text, image, graphic, hyperlink to other web page and file. अब web page के बारे में हम बात करें तो web page किसे कहेंगे? Web page is a document. A web page is a document किस प्रकार का document? जो document हम
एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर रेडी करते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, अब वेब पेज। तो बट वो वेब पेज कैसे बनाए, जो डॉक्यूमेंट हमने एचटीएमएल के अंदर रेडी किया है, अब उस पेज को हम कहां पे अपलोड करेंगे, इंटरनेट की साइट पर अपलोड करेंगे। जैसे ही वो पेज इंटरनेट नेट पर जाकर अपलोड होगा तो वहां से हमारे पास क्या रेडी हो जाएगा, एक वेब पेज, यानी कि जो पेज हमने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है उस पेज को हम क्या कहेंगे, वेब पेज। एंड ए वेब पेज मे कंटेन द टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक एंड हाइपरलिंक टू अदर वेब पेजेस एंड ए फाइल। अब एक वेब पेजेस के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक एंड हाइपरलिंक एंड अदर वेब पेजेस एंड फाइल। सपोज करते हैं कि हमने कोई भी एक पेज रेडी किया है, अब उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कोई भी टेक्स्ट, जैसे सपोज करते हैं कि हमें कोई भी लेसन है, तो लेसन का हमारा क्या है, लेसन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ टेक्स्ट। ग्राफिक्स, ग्राफिक हमें कोई भी एक फोटो डालनी है। हाइपरलिंक, अब व्हाट इज हाइपरलिंक, अब हाइपरलिंक का यूज करके हम किसी भी फाइल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे एक लिंक एक्टिवेट कर दिया कोई भी राहुल के नाम से, या लेसन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही हम लेसन नंबर फर्स्ट या किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से हमें क्या शो होगा, फाइल एक्टिवेट हो जाएगी, जो फाइल हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, एक लिंक की हेल्प से। नेक्स्ट है डोमेन नेम। डोमेन नेम आर द स्पेसिफिक नेम यूजिंग यूआरएल टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब पेज, ए वेब पेज दैट आइडेंटिफाई वन और मोर आईपी एड्रेस फॉर डॉट जीओवी गवर्नमेंट एजेंसीज डॉट ओआरजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स डोमेन नेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज डोमेन नेम, किसी भी वेबसाइट के एंड में डॉट के बाद जिन पॉइंट्स का, जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल www.google.com। अब इस वेबसाइट के अंदर हमने एंड में डॉट के बाद जो हमने com डॉट कॉम यूज किया, तो दिस इज कॉल्ड डॉट कॉम इज डोमेन नेम। इस डॉट कॉम को हम क्या कहेंगे, डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल डॉट जीओवी, अब डॉट जीओवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट जीओवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करते हैं मिलिट्री, मिलिट्री के लिए हम लगाएंगे डॉट MLT या डॉट कॉम डॉट ओआरजी। तो जो स्पेसिफिक नेम किसी भी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किस लिए, डॉट एंड के बाद, तो डॉट के बाद जो भी हम वर्ड्स यूज करेंगे, इस वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, डोमेन।